तोके छोरी छोरू लागे नाच दे अरे नाच दे सारे ताऊ लागे ताक दे बोलो गाँव दे जबे छोरी छोरू लागे नाच दे नाच दे नाच दे सारे ताऊ लागे ताक दे बढ़िया नाचली तू अरे आप जात नाचनी दे मो भाईरी साड़िए तू बड़ी बढ़िया नाचली तू आप जात नाचनी दे ताओ जाड़ी देखड़ा ले जो मेरा तरशा और माजू मजाली है जो मेरा तरशा तो गैला को ले दियो बातों में बिंदी दिया लाला बिंदी तो गैला को ले दियो बातों में बिंदी दिया लाला खोजने है लाए रे जाए बाहे कोनिया रश खोजने है लाए ना छेड़ू है लाप रागी रामे भेड़ी राती ना छेड़ू है लाप रागी रामे भेड़ी राती ना सपना डकी माटी जे करी रघुना था सपना डकी माटी ओ सबसे सबसे ओ सबसे सबसे बड़ कुंदते तमसे सोरा से जागरा आया लागी कोबासी की नाटी जे करी रघुना था कोबासी की नाटी फूलों दी कुजेड़ा हाय मेरी ये सुधा माई है फूलों दी कुजेड़ा
कल डेउले रण सारो के शुरू हो गई उजेड़ा, हाय मेरी है सुधा माइया शुरू हो गई उजेड़ा। जिन्होंने तीन बार भारत को ओलंपिक पदक दिलाया है हॉकी में।
सही मायने में हॉकी के पहले और आखिरी लेजेंड है। उन्हें हॉकी में वही स्थान प्राप्त थे जो क्रिकेट में डॉन बैडमिंटन, फुटबॉल में पेले को और एथलेटिक्स में जेसी ओवास को प्राप्त है। तो देश है पैथमिक सीरियस में जितने भी बच्चे हैं वो बैक्स हो जाए From Jhansi Ki Rani to PV Sindhu in, and have displayed exemplary education in their respective fields. There are many of women who clearly deserve a standing ovation. Our next performance is dedicated to the women, which is Deep Shiksha Ke, presenting Deep Shiksha Ke. हारी है उधम हुनर है दिल दिमाग में सभी अधिकारों के अधिकारी है तुझे इतिहास बदलना है कोई कह ना पाए तू अबला है बेचारी है कोमल है तू कमजोर नहीं शक्ति का नाम ही नारी है। Yes, my dear audience, what is an Indian woman? Symbol of self-sacrifice, forgiving angel, source of internal joy, a silent sufferer and everlasting love. The most famous say said by the Pandit Jawaharlal Nehru is to awaken the people. It is woman who must be awakened. Once she is on the move, the family moves, the village moves, and the nation moves. Time has changed, and so has she. Is fully aware of her rights and privileges. She tried to maintain a beautiful appearance by following the latest about the happening in the world around her. जी हाँ, आज की नारी दबी कुचली वह अबला नहीं है। आज वह प्रत्येक क्षेत्र में अपने परिजनों की छाप छोड़ रही है। स्वास्थ्य, सेना, शिक्षा व खेल जैसे प्रत्येक क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रही है। We are women, the pride of nation. हमारी अगली प्रस्तुति समर्पित है ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु तथा साक्षी मलिक को। तो पेश है हमारी अगली प्रस्तुति दीप शिक्षा के हम जलाएंगे। करिकुलम है उसमें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद
कल्चरल इवेंट्स, लिटरेरी इवेंट्स, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो संपूर्ण शिक्षा का स्वरूप बनकर हमारे सामने आती है और हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में मदद साबित होती है। साथ ही साथ इस प्रस्तुति के माध्यम से हम इस बार के ओलंपिक्स में हमारी जो विजेता दो लड़कियां रही हैं, ये उनको भी समर्पित है। ये मलिक जो लड़की थी हिंदुस्तान की जिसने इंडिया के लिए मेडल लाया था ओलंपिक में, नारियों के नाम से ही चलता था। संसार की कोई भी शक्ति यदि उनसे टक्कर लेती तो उन्हें मुंह की खानी पड़ती। किसी भी दिशा में असुर प्रवेश करने का साहस करते तो उन्हें नारियां वीरतापूर्वक तरीके से रोकती और अपने शौर्य का परिचय देते हुए इनका सहार करती। आज वक्त बदलता जा रहा है। जिन नारियों को कभी सम्मान से पुकारा जाता था, आज उन्हीं नारियों को पैदा होने से पूर्व ही पेट में मारा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? लड़की एक पौधा है जिसे ईश्वर के उद्यान से चुनकर मानवता की धरा पर रोपा गया है। की शान बढ़ाई है पीवी सिंधु बैडमिंटन में सिल्वर मेडलिस्ट। हालांकि चक्कर बहुत फायदे की टक्कर बहुत ही मुकाबले कर रहा है पहले से जीतने के बाद, लेकिन कमबैक नहीं कर पाई उसका दुर्भाग्य रहा।
और दूसरी साक्षी मलिक, आपने मैच देखा होगा, उस मैच में किशोर की नरिंग शिव कैलाश डाली जुमा जुमा। नमस्कार, अब हम आपको लेकर जा रहे हैं किन्नौर की ठंडी ठंडी वादियों में। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो अपनी दुर्गमता व जीवन की तमाम मुश्किलों पर विजय पाकर अपनी कला व संस्कृति को खूबसूरती से सहेजे हुए हैं। वैदिक काल में किन्नर देश से प्रसिद्ध किन्नौर वासियों की जीवन शैली पर चीन व तिब्बत जैसे देशों की छाप देखने को तो जरूर मिलती है, परंतु मूल रूप से किन्नौर की संस्कृति विशुद्ध हिमाचली संस्कृति है। मुश्किल परिस्थितियों व दुर्गम रास्तों पर विजय कैसे पाई जाती है, इसकी मिसाल किन्नौर वासियों से बेहतर कोई पेश नहीं कर सकता। सुंदर घाटियाँ, सुंदर झीलें, दुर्गम ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियाँ व सूखे मेवों के लिए प्रसिद्ध किन्नौर अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से पूरे विश्व में एक विशेष पहचान बना चुका है। किन्नौर इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स लाइक शॉल्स, कैप्स, मफलर्स, सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स। किन्नौर इज ऑल्सो फेमस फॉर एप्पल्स, चिलगोजा, एप्रिकोट, आमंड्स एंड ग्रेप्स। किन्नौर हैज अ ट्रेमेंडस स्कोप ऑफ एडवेंचर टूरिज्म। The Machamis people, which have strong culture and beliefs, generally follow Hinduism and Buddhism. Beautiful trekking routes, including the Parikalam of Kinnar Kailash. Here is beautiful Nako Lake and the wildlife sanctuaries. तो लीजिए किन्नौर की खूबसूरत संस्कृति को समर्पित पेश है हमारी अगली प्रस्तुति। Thank you. है तो बोले हाय रामा
से तो बोले हाय रामा नकली शरे हाजो होले हाय रामा नकली शरे हाजो होले हाय रामा क्रीम पाउडर से तो बोले हाय रामा नकली शरे हाजो होले हाय रामा क्रीम पाउडर से तो बोले हाय रामा मैं
चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि नई जिंदगी
वायु जल में भरा संक्रमण, पशु पक्षियों पर होता आक्रमण, स्वच्छ हवा न है शुद्ध जल, बहुत विकट है हमारा कल, कंक्रीट के जंगल, गाड़ियों की भरमार, विनाश की ओर मानवता की रफ्तार, अभी न जागे तो भविष्य में अंधेरा, दुख भरी कथा कहेगा हर सवेरा। जी हाँ साथियों, यही तस्वीर है आज हमारे परिवेश की, प्रकृति की सबसे अमूल्य नियामत को मानव संभाल नहीं पाया। हमें बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए, शॉपिंग मॉल चाहिए, लंबी लंबी गाड़ियां चाहिए, परंतु हम भूल जाते हैं कि क्या हमें शुद्ध जल नहीं चाहिए, साफ हवा नहीं चाहिए, निरोगी काया क्या नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ, बिल्डिंगे, शॉपिंग मॉल व गाड़ियां ही जीवित रहने के लिए आवश्यक है, क्या ये आधुनिकीकरण के अंधकार मानव जाति को विनाश की तरफ नहीं ले जाएगी? Oh cruel man, do not cut me, cried the tree, I am your speechless friend. Feel the warmth of nature loving embrace. Sit in my bower and enjoy smooth shade. Feel and inhale my life enforcing fragrant air. Enjoy my sweet fruit full of love and care. So let me live, I am your true friend. Treat me not as your enemy. Kali piriyo ki chita, tyag kar jayenge is duniya se. Kya samajh? मानवता को काल के मुंह में डालकर जाएंगे इस दुनिया से। तो हम लोगों का, आप सब लोगों का सिर्फ यही संदेश है कि प्रकृति की ओर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, वो आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य दे। तो पेश है हमारी अगली प्रस्तुति, गो ग्रीन। Powerful. I want money. I don't need these useless trees. I will chop them and build malls here. Not only malls, I can get space for my factory. Yeah, I don't want this tree. I will build buildings here. You don't know. I'm going to make money. Who needs you?
हमारे थोड़ी देर के बाद आए हैं। जब देव ग्रेट पर्सनालिटी जो आज हमारे इस एनुअल फंक्शन ग्लोरियल 2016 में I'm
हम बात कर रहे हैं पार्क का सीना चीर कर रास्ता बनाने वाले दशरथ मान जी की, जिन्होंने अपने परिश्रम, हौसले व आत्मविश्वास के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया और समस्त लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। इतनी बड़ी वो मुश्किल, उसका हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तू हिम्मत करके तो देख, पत्थर से भी जल निकलेगा। अपने लक्ष्य को तू बना कर तो देख, लक्ष्य राह पर चल कर तो देख। अपने विचारों को बोल कर तो देख, अपने चक्षुओं को खोल कर तो देख। हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो पेश हमारी अगली प्रस्तुति, जो समर्पित है दशरथ मां जी को तथा आधारित है हमारे आज के कार्यक्रम की थीम पर, दैट इज सरसों का साग होवे, ओ शावा शावा, अपना
आपका वीरों व शहीदों की वीर भूमि पंजाब, हिंदुस्तान विशाल पंजाब, भगत सिंह, पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद व गुरु नानक देव जैसे महापुरुषों वीर सपूतों की जन्मभूमि पंजाब की बात ही निराली है। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है तथा धमनियों में बहते हुए रक्त में जोश व रवानी। यहाँ के लोग जितने जोशीले वह मस्त होते हैं, उतने ही परिश्रमी भी होते हैं। विकास में देश का अग्रणी राज्य, धन धान्य से भरपूर, मक्की की रोटी, सरसों का साग, ढोल की थाप पे बजता भांगड़ा देश का राष्ट्रीय नृत्य है। अपना पंजाब हिंदुस्तान की शोभा में चार चांद लगाता है। बात होने की हो या बैसाखी की, कोई भी उत्सव तब तक अधूरा है जब तक उसमें भांगड़े का संगीत न बजे। तो फिर देर किस बात की, तैयार हो जाइए मस्ती के लिए भांगड़े के साथ। Really, Punjabi dances are an array of folk and religious dances of Punjabi people who live in various corners of the world. Made Punjabi dance for all is Bhangra and for female is Gidda. We are presenting a type of dance in which female are giving a company to make this dance more exciting. So let's present Punjab da Bhangra. Thank you. पंजाब इस बार दर्द के लिए बहुत सुर्खियों में रहा तो हमारे लिए अभिनंदन को अभी भी आगे ले जाते हुए पंजाब का भंगड़ा। Yeah.